हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 6 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाउ टू सॉल्व 3 लीनियर इक्वेशंस। दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना तो सबको आता है, लेकिन 3 लीनियर इक्वेशन अगर आ जाए तो हम किस तरीके से उसे डील करेंगे, ये हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहो एंड अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। सॉल्व करना बहुत जरूरी है मेरे साथ, सॉल्विंग बहुत जरूरी है। Mind it very clearly. आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व 2x - y = 4, y - z = 6, x - z = 10। अब सर ये x और y तो हमने पढ़ा था, अब ये z कहां से आ गया? अरे यार आया है तो इससे निपट लेंगे अपन, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो तीनों इक्वेशंस में आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। क्या दिख रही है बच्चों सिमिलैरिटी? ध्यान से देखो, हर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है। ऐसा भी हो सकता है x, y, z तीनों ही एक इक्वेशन में आ जाए, वो क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन आपको अभी क्या दिख रहा है? x, y है, y, z है और z x है। अब किस तरीके से डील करेंगे? देखो इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों हमको दो दो इक्वेशंस लेनी पड़ेगी, हमें सिर्फ दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है एक बार में। ट्रिक क्या है, फंडा क्या है? x, y, y, z, x और y दिख रहा है यहां पे, y और z दिख रहा है। किसी तरीके से अगर z की जगह मैं x के फॉर्म में कुछ पुट कर दूं तो क्या ये भी y और x में इक्वेशन बन जाएगी? ये भी x और y में इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ये रोड मैप है बच्चों। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक हमें स्ट्रैटेजी तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना, कुछ सोचना तो पड़ेगा कि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो हमें कुल मिला के क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की टर्म्स में और यहां पुट करनी है। तो ध्यान से देखो क्या ये थर्ड इक्वेशन से पॉसिबल है? क्या थर्ड इक्वेशन से मैं z की वैल्यू x की टर्म्स में निकाल सकता हूं और उसको उठा करके सेकंड इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा? सो फ्रॉम इक्वेशन थ्री व्हाट डू वी गेट? x - z = 10, इट इंप्लाइज z को उधर भेज देते हैं, 10 को उधर ले आते हैं, तो x - 10 = z। सिंपल सी बात है, मतलब z की वैल्यू आ चुकी है x - 10, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4, पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? y, दैट इज y - z = 6। अब ये z की वैल्यू उठा करके हमें यहां पर पुट करनी है, इट इंप्लाइज y माइनस z की वैल्यू क्या है? x - 10 = 6, इट इंप्लाइज y माइनस x, माइनस माइनस हो जाएगा, +10 = 6। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा, इट इंप्लाइज y माइनस x इक्वल्स टू ये 6 - 10 हो जाएगा। इसके बाद हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, इट इंप्लाइज हमारे पास क्या है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 6 - 10। कैसे कर रहे हैं? कुछ जल्दी तो नहीं हो रहा, फास्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा फास्ट वास्तव में सॉल्व करना पड़ेगा। आपको जरा कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों, वीडियो को फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करो और फिर से देखो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ये हमने सिर्फ x माइनस 10 वैल्यू पुट कर दी, z की वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दी, ठीक है? माइनस के साथ खोला, माइनस x प्लस 10, ये बातें हम पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि माइनस के साथ ब्रैकेट को कैसे खोला जाता है, बहुत सारी बातें हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, पुराने सारे वीडियोस देखते चलो बच्चों, कंफ्यूजन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, ठीक है? सो y माइनस x इक्वल्स टू 6 - 10। अब 6 - 10 क्या होता है? -4। तो हम लिख देंगे y माइनस x इक्वल्स टू -4, कोई तकलीफ? ठीक है, अब देखो ये y माइनस x है, मुझे x माइनस y अच्छा लगता है हमेशा, ये मैनर्स होते हैं इक्वेशन में, हमेशा पहले x आता है फिर y आता है फिर z आता है। तो अब मुझे इसको x माइनस y बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा माइनस साइन से दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो। हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लाइंग LHS एंड RHS बाय -1। जैसे ही माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा माइनस वाई, ये माइनस एक्स बन जाएगा प्लस एक्स, और ये आ जाएगा -4 + 4। ध्यान से देखो बच्चों, इस पूरी इक्वेशन को मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग बाय -1। पूरी इक्वेशन को आप किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। बच्चों मैं क्यों इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट भी बोल सकता था इस एक्स को उधर ले जाओ, वाई उधर ले जाओ, तो वैसे एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट कि नेगेटिव साइन से हम इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं
एंड वॉट इज द इफेक्ट, नेगेटिव साइन का इफेक्ट क्या है, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे तो साइन विल चेंज, ऑल साइंस विल चेंज। आपको याद है इनइक्वालिटीज में हम कुछ और बात करते थे, पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई करना सिखाया था, अगर किसी भी बच्चे को इनइक्वालिटीज में किस तरीके से नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हैं क्या इफेक्ट होता है वो सीखना है तो वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज जाके उसे भी देख लो ताकि वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये तो इक्वेशन है, वहां हमने इन इक्वेशन की बात करती, ग्रेटर देन लेस देन इस तरीके के साइंस आते हैं तब कैसे डील करते हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। अभी के लिए जरूरी है कि माइनस साइन को मल्टीप्लाई किया तो किस तरीके से रिजल्ट आया, ये वाई बन गया माइनस वाई, ये माइनस एक्स बन गया प्लस एक्स और ये माइनस फोर बन गया प्लस फोर, राइट। दैट मींस ये सिंपल लिख रहा है, एक्स को पहले लिख देते हैं और माइनस वाई को बाद में लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर, दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव। ध्यान से देखो, तीन इक्वेशन गिवन थी, हमने फोर्थ इक्वेशन z की वैल्यू निकाली और फिफ्थ इक्वेशन में x माइनस वाई का एक और रिश्ता मिल गया। नाउ x माइनस वाई, टू एक्स माइनस वाई, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन फाइव, फ्रॉम जैसे मैं लिख रहा हूं आपको भी लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन फाइव व्हाट डू वी गेट। ध्यान से देखो, इक्वेशन वन है टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू फोर, इक्वेशन फाइव है x माइनस वाई इक्वल्स टू फोर, इसे हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, टू एक्स माइनस एक्स आ गया एक्स इक्वल्स टू फोर माइनस फोर जीरो। सो ये हमारा पहला आंसर है, क्या किसी को कोई तकलीफ बच्चों, हमने एक्स की वैल्यू जीरो फाइंड आउट कर ली, कैसे करी, इक्वेशन वन और इक्वेशन फाइव को सॉल्व करके, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू मिलेगी, अब वाई की वैल्यू मिल जाएगी, वाई कहां से मिलेगा सर, यहां से मिल जाएगा x minus y equal to 4 से 2x minus y equals to 4 किससे मिल जाएगा, तो x minus y equals to 4 that means 0 minus y equals to 4 that means minus y equals to 4 that means y equals to minus 4, एक आंसर और मिल गया हमें। नाउ यहां पर कर लेते हैं y minus z, नाउ y minus z equals to 6, it implies y की वैल्यू मिल चुकी है minus 4 minus z equals to 6, it implies minus z equals to, ये minus 4 वहां जाके plus 4 हो जाएगा, 6 plus 4 10, it implies z equals to minus 10, ये मेरा आंसर। That means full answer क्या आ गया मेरे पास, final answer क्या आ चुका है बच्चों, ध्यान से देखना, x equals to, एक बॉक्स लगा के लिखना बहुत जरूरी है, सारे आंसर्स को ऐसे नहीं अलग अलग जगह छोड़ दो, कुछ मजा नहीं आएगा, हाँ एग्जामिनर क्या बता, कुछ नंबर भी काट ले, x equals to 0, y equals to minus 4, z equals to minus 10, ये मेरा फाइनल आंसर होगा, करेक्ट, x आ गया 0, y आ गया minus 4, z आ गया minus 10, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्या किया हमने, फिर से एक फटाफट से इसका रिकैप देखते हैं, हमने y minus z और x minus z है ना, हमको दिखा कि यार z कॉमन है और हमने क्या किया बच्चों, z को एलिमिनेट कर दिया, z था ना, z को एलिमिनेट कर दिया, देखो ना z दिख नहीं रहा है इस इक्वेशन में, y minus x, x minus y, x और y में इक्वेशन आ गई तो z को हमने एलिमिनेट कर दिया। सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड है आपस में, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप कैसे भी कर सकते थे, सर मैं तो z की वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं x की वैल्यू निकालूंगा z plus 10 और यहां डाल दूंगा, डाल दो भैया तो z और y में इक्वेशन मिल जाएगी, यहां पर भी z और y में इक्वेशन वो सॉल्व हो जाएगा, कैसे भी कर सकते हो, कोई दो इक्वेशन को पकड़ो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो दूसरे की टर्म्स में और फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो, या जो भी इक्वेशन बची है उसके अंदर पुट कर दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर ये तो हुआ अकॉर्डिंग टू थियोरेटिकल वे, किस तरीके से हमको एक एक स्टेप करके सॉल्व करना है, इसका एक और मेथड है, एकदम मजेदार मेथड है, देखना ध्यान से, तीन इक्वेशन दिख रही है, तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख दो, मेथड टू कर सकते हो एग्जाम में, कोई मना नहीं करेगा आपको, 2x minus y equals to 4, y minus z equals to 6, x minus z equals to 10, ध्यान से देखना, तीनों इक्वेशंस को एक साथ आप ऐड कर सकते हो, प्रोवाइडेड कोई एक वेरिएबल कैंसिल होना चाहिए, कैसे, तीनों इक्वेशन मैंने लिख दी, सही लिखा है क्या, बिल्कुल यस सर, बिल्कुल सही लिखा है। अब मुझे दिख रहा है ये माइनस वाई है, ये वाई है, ये 2x है और ये x है, ये माइनस जेड है और माइनस जेड है, ध्यान से देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, अगर मैंने तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो क्या माइनस वाई और y कैंसिल हो रहा है क्या, यस सर है ना, तीनों इक्वेशंस को आप ऐड कर सकते हो, ऐड ऑल दी थ्री इक्वेशंस, व्हाट डू वी गेट,
ध्यान से देखो, माइनस वाई और वाई कैंसिल हो रहा है, आप ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, लेकिन आपको देखना है एक माइनस साइन और एक प्लस साइन क्या सेम चीज है और वो कैंसिल हो रही है। यस सर, ये कैंसिल होते ही मतलब हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, हमारी इक्वेशन सिर्फ x और z में मिलेगी हमको, मिलेगी कि नहीं मिलेगी देखो कैसे, 2x और x हो गया implies, 2x और x हो गया 3x और माइनस z हो गया माइनस 2z इक्वल टू, इनवाइड कर दो 6 और 4 10, 10 एंड 10 20, तो ये मेरे पास न्यू इक्वेशन आ चुकी है, दिस इज माय न्यू इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स व्हाट, इसमें सिर्फ x और z है, x और z यहां पर है, इस वाली इक्वेशन को उठा के यहां पर पुट करेंगे, इसके साथ सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ऑल्सो ऑल्सो देखो ध्यान से, ये इक्वेशन लिखो x माइनस z इक्वल्स टू 10, क्या करना है मुझे, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना इनटू 2, अब दोनों इक्वेशन, पहले ये इक्वेशन फिर दूसरी इक्वेशन लिख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिखो 3x माइनस 2z इक्वल टू 20, यहां पर आ जाएगा 2x माइनस 2z इक्वल्स टू 20, कट, सॉल्व कर देंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, 3x minus 2x, x equals to 20 minus 20, 0, x equal to 0, बस काम खत्म। उसके बाद तो x को 0 यहाँ पुट कर देंगे, x minus z equals to 10, तो 0 minus z equal to 10, तो z equal to minus 10, आया कि नहीं आया, z की वैल्यू minus 10 इसमें पुट कर देंगे, y minus z equal to 6, y minus minus 10 equal to 6, y plus 10 equal to 6, तो y equal to 6 minus 10, मतलब y equals to minus 4 मेरा, यहां से भी आ गया आंसर आंसर आंसर, क्या सेम है क्या, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4 और z की वैल्यू -10, तो कहां घबराने की जरूरत है, कितना इजीली सॉल्व कर लिया हमने, ये कितना लंबा मेथड था, कोई दिक्कत नहीं है, हमें मेथड सब पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, डरने की तो कहीं जरूरत ही नहीं है क्या। देखो पहले हमने क्या किया, सिंपली तीनों इक्वेशंस का दो इक्वेशन को सॉल्व किया, एक इक्वेशन आई उसको फर्स्ट के साथ सॉल्व किया, फिर आंसर आया। मेथड टू में हमने क्या किया, तीनों इक्वेशन को एक साथ फोड़ दिया, ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, कैंसिल होती है इक्वेशन मिली, एक इक्वेशन मिलते ही हमारा काम कितना आसान हो गया। नॉक 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 नॉक, समझ में आ रहा है क्या, डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं हूं ना, लेकिन आपका काम क्या है, देखो बच्चों इतना तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है, उसमें सॉल्व करते जाना है, और फिर देखो जादू, आप मैजिक देखना, 15-20 दिन मेरी बात मान लो, उसके बाद आप खुद में इंप्रूवमेंट देखना, फिर अपन कमेंट सेक्शन में बात करेंगे कि सर मजा आ रहा है पढ़ने में, है कि नहीं, चलो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता सकते हो ना, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं एग्जांपल टू की तरफ, तो बच्चों एग्जांपल टू क्या है, देखो ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन है x plus 2y plus z equals to 7, सेकंड इक्वेशन है x plus 3z equals to 11, और थर्ड इक्वेशन है 2x minus 3y equal to 1। जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए बच्चों जिसमें तीनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, सबसे बेटर जो मेथड है वो है आप दो दो इक्वेशंस को सॉल्व करो और एक एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो। कैसे करना है देखो, दो दो इक्वेशंस लेनी है, पहले 1 और 2 ले लो, फिर 2 और 3 ले लो, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 एंड 2, x plus 2y plus z equals to 7, दूसरी इक्वेशन लिख दो x plus 3z equals to 11, ठीक। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है, क्या मैं इसमें x को एलिमिनेट कर सकता हूं क्या, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x और माइनस x कैंसिल, 2y as it is, z और माइनस 3z माइनस 2z equals to 7 minus 11 minus 4। ध्यान से देखो बच्चों, like terms को ही तो club करोगे साथ में, ऐसे थोड़ी ना मतलब 2y और 3z को कुछ कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, 2y as it is नीचे आ जाएगा, z और minus 3z minus 2z बन गया, ये minus 4। अब हम पूरी equation को divide by 2 कर देंगे, क्यों किया हमने, क्योंकि ये 2 है, 2 है, 4 है, तो ये आ जाएगा y minus z equals to minus 2, कोई तकलीफ यहाँ तक, y minus z equals to minus 2, ये हमें एक नया इक्वेशन मिल गया है, इक्वेशन नंबर 4, क्लियर। अब क्या करना है, हमने कौन कौन सी इक्वेशन को सॉल्व किया था, हमने 1 एंड 2 को सॉल्व किया था, अब हमें या तो आप 2 और 3 को सॉल्व कर लो, y और z में रिश्ता मिल जाएगा, या फिर आप 1 और 3 को भी सॉल्व कर सकते हो, हम 2 और 3 को सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना, इक्वेशन 2 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, बच्चों ये सब लिखना बहुत जरूरी है,
है ना, ऐसे आपको नोटेशंस लिखने पड़ेंगे कि हम किस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे किसी भी क्वेश्चन में, राइट। तो अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 एंड 3, व्हाट डू वी गेट? इक्वेशन 2, x plus 3z equals to 11, और थर्ड इक्वेशन है 2x minus 3y equals to 1, ठीक? इक्वेशन सही लिखी है, x plus 3z equals to 11, 2x minus 3y equals to 1. इसको जब हम सॉल्व करेंगे, बच्चों ध्यान से देखो, कैसे सॉल्व करेंगे? क्या हम इसे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें कुछ करना होगा मैनिपुलेशन? ये देखो, ये x है, ये 2x है, ये z और 3y तो कैंसिल होगा ही नहीं, लेकिन x और 2x कैंसिल हो सकता है। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x बन जाएगा, सो आ जाएगा 2x plus 2 3 6z = 22, और ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी 2x minus 3y equal to 1, इनका तो कुछ नहीं होगा, ये तो एज इट इज आएंगे नीचे, ठीक है। 2x minus 3y equal to 1, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, 2x minus 2x कैंसिल, 6z मतलब 6z plus 3y equals to 21, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय क्या करेंगे, 21, 3 और 6 क्या फैक्टर होता है, 3, है ना। तो यहां आ जाएगा मेरे पास 2z plus 3 2 जा होता है एंड 3y है तो plus y आ जाएगा equals to 3 7 जा, मतलब y plus 2z की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। सर क्यों लिखा आपने 2z plus y, सेम ही तो लिखा था y plus 2z, क्यों? क्या मैनर्स होते हैं, xyz के फॉर्म में लिखना होता है इक्वेशन का, xy फिर yz इस तरीके से, ठीक है। So 2y plus z आ गया मेरे पास 7, equation number 5। क्या मैं equation number 4 और equation 5 को solve कर सकता हूँ क्या? Equation 4 और equation 5 को हम solve कर लेते हैं। Equation 4 and equation 5, what do we get? 4 को लिख लो और 5 को लिख लो, दोनों equations को। ये है y plus 2z equals to 7 और ये है y माइनस जेड इक्वल्स टू माइनस टू, क्लियर? कोई तकलीफ? नो सर, हमने ये दोनों इक्वेशन ला के यहाँ पर पुट कर दी, वाई प्लस टू जेड इक्वल सेवन, वाई माइनस जेड इक्वल माइनस टू। अब क्या मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं? अगेन सब्ट्रैक्ट करने से ये y जो है कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस y, ये प्लस और ये प्लस, y और माइनस y जीरो, 2z एंड z यहाँ आ गया 3z इक्वल्स टू 7 प्लस 2 9, दैट मींस z इक्वल्स टू 3, z इक्वल टू 3 आ गया। किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे तो y मिल जाएगा, y माइनस z क्या था, y माइनस z इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 2 था ना, y माइनस z इक्वल्स टू माइनस 2 है, दैट मींस y माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2, दैट मींस y इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3, दैट मींस y इक्वल्स टू 1, एक आंसर और आ गया। अब एक x की इक्वेशन है x plus 3z equal to 11, now x plus 3z equals to 11, it implies x plus z की वैल्यू 3, 3 into 3 equals to 11, 3 3 is 9, मतलब x equals to 11 minus 9, मतलब x आ गया मेरे पास 11 minus 9, 2, answer, तो क्या ऐसे आंसर लिखेंगे, एक बॉक्स लगा के एक जगह लिखेंगे, एक बॉक्स लगाएंगे और एक ही जगह पूरा आंसर मेंशन होना चाहिए। आप तो अपने पेज में एंड में करोगे, मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं। तो x आ जाएगा मेरे पास 2, y equals to 1 एंड z equals to 3, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। देखो हमने कितना शांति से सॉल्व किया बच्चों, आराम आराम से। अगर इन क्वेश्चन में बच्चों आप कंफ्यूज हो गए ना, अगर आपने ये सोच लिया ना कि ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता एग्जाम में, तो सबसे बड़ी गलती है आपकी। लीनियर इक्वेशन है, सिंपल लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस आपके सिलेबस में है, दो इक्वेशन हो जाए या तीन इक्वेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें डरना नहीं, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है ना। जैसे ये दो इक्वेशन हमने पहले उठाई, 1 और 2, एक इक्वेशन मिल गई, उसको फोर लिख दिया, 4 क्यों लिखा, 1 2 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, फोर लिख दिया। फिर इक्वेशन 2 और 3 उठाई, एक और इक्वेशन मिल गई, 5 लिख दिया। क्यों ऐसा किया हमने, इसका मोटिव क्या था, क्या रीजन है? रीजन यही है कि दोनों इक्वेशन y और z में मिल गई। देखो y z, ये y है, ये z है, ये y है, ये z है, बस मुझे ऐसा कुछ जनरेट करना है ताकि दो वेरिएबल्स को मैं एक साथ सॉल्व कर सकूं। मुझे ऐसी कोई लीनियर इक्वेशन जनरेट करने की कोशिश करनी है ताकि दोनों को मैं सॉल्व करूं ना, तो y और z की वैल्यू जैसे मिल गई मुझे यहाँ पे, x और y में भी आ सकता है कि नहीं।
लेकिन यहां पर वाई जेड आया, ठीक है वाई और जेड की वैल्यू मिल गई तो एक्स भी मिल गई, वेरी इजी। तो फंडा सिर्फ इतना सा है कि धीरे 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 आगे बढ़ना है, डरना नहीं है। देखो बच्चों, अलग से टॉपिक हमने क्यों कवर किया है, मैं चाहता तो आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बता सकता था, लेकिन इसको अलग से सॉल्व कराने का मतलब ये है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड इट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से करो, दोनों क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो, उसके बाद आपकी बुक में, रिफ्रेशर में, किसी में भी आप देखो, थ्री वेरिएबल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप उन क्वेश्चन को बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, राइट। सो दैट इज इट। अगर वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, डू प्रेस द बेल आइकन, दीज वीडियोज आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो इस टॉपिक के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों।